हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। यहां से बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह हार गए हैं। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट हॉट सीटों में से एक थी, क्योंकि यहां से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े थे। उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह चुनाव लड़े। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही। नायब सिंह सैनी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नायब सिंह सैनी से बातचीत की और उन्हें हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर शुभकामनाएं दी। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विशाल के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।